एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे आप सभी? आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और बारिश का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हो, बारिश का मौसम चल रहा है, बट आज बारिश नहीं आ रही है। आज दोपहर बाहर बहुत ज्यादा धूप हो रही है, तो मैं आज आप लोगों के साथ कोई भी रेमेडी शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज मैं अपना दोपहर का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली कि मैं दोपहर में क्या क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो मेरा आज का जो वीडियो है इसी पर होने वाला है। मेरा दोपहर का पूरा रूटीन आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, और जो भी मैं बनाऊंगी खाना या और जो कुछ भी। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए। वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तो मैंने पूरी तैयारी कर ली है। मेरे को आज दोपहर को बनाना है कढ़ी और चावल, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन कर ली है, सारा कुछ रेडी कर लिया है। तो गाइस, अभी मैं थोड़ा सा गार्डन से कड़ी पत्ता तोड़ के ले आती हूँ, फिर उसके बाद क्योंकि कड़ी में कड़ी पत्ता डालना पड़ता है। ये कड़ी पत्ता है, और अभी तो इस समय बारिश नहीं हो रही थी ना, और हमारे यहाँ पानी भी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से बेचारा बिल्कुल भी मुरझा गया है। बस इतने ही नफ़ है। तो गाइस, ये मैंने अपना ना कढ़ी बनाना स्टार्ट कर लिया है, और सबसे पहले मैंने इसमें तेल डाला है। जब तेल गर्म हो गया है तो मैं ना पहले मिर्ची डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी ना सासू मैं ऐसे ही बनाती, पहले मिर्ची डाल देती हैं, उसके बाद फिर इसमें क्या करना है, मिर्ची जब अच्छे जल जाए तो जीरा थोड़ा सा कर लूँ, फिर उसके बाद धनिया मेथी। आई होप कढ़ी तो सबको आती ही होगी। तो इसी तरीके से सारा कुछ डाल के, और फिर उसके बाद हम जो कढ़ी का बैटर रेडी करके रखते हैं ना, तो वो सारा फिर इसमें डाल देना है। और गाइस, अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज मैंने वैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, वैसे तो मैं एंड में ही बोलती हूँ। सो मेरा दोपहर का रूटीन कुछ इसी तरीके से रहता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो इसीलिए। और फिर अभी ये ना फटाफट मैंने ना कढ़ी को ऑलमोस्ट मसाला भून लिया है, क्योंकि मैं बैंगन की कढ़ी बना रही हूँ। और आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को बैंगन की कढ़ी पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, मतलब मेरे हस्बैंड को बूंदी की और पकौड़े की पसंद है, लेकिन मुझे बैंगन की, तो इसीलिए मैंने आज अपने पसंद की ही बना ली है। और फिर मैंने इसमें ना जो बैटर रेडी किया था वो सारा डाल दिया है, और इसको अब थोड़ा सा हम ढक देंगे। तो इससे क्या होता है ना, हमारा तड़का उड़ता नहीं है, इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। और बस फिर एक बार इसका ढक्कन हटा के, और फिर एक बार चेक कर लो हल्दी और सांभर मसाला तो हमने पहले ही डाल दिया था। मैंने एक्चुअली इसमें सांभर मसाला डालती हूँ, इससे ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और हल्दी भी पहले डाल दी थी। अब मैं ना ये चावल साफ़ करके रख लेती हूँ, और फिर मैं साथ साथ चावल भी चढ़ा दूँगी, और इससे क्या होगा, काम दोनों साथ साथ हो जाते हैं तो बहुत सही रहता है, बहुत ईजिली हो भी जाता है। क्या कर रहे हो? ये देखो इनके खिलौने, ये देखो इनके पागलों के खिलौने, दिखाओ अपने खिलौने, दिखाओ डुबू, क्या है ये? मेट्रो।
चावल मैंने पहले साफ तो कर ही लिया था और मैं इसको धो के चढ़ा दूंगी। और धूप की वजह से ना हमारी किचन में क्या है ना, इधर पूरी दीवार के साइड ना विंडो है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं धूप का पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से ना रोशनी भी नहीं आ पा रही। ऐसे थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है ना, वो इसी वजह से ही दिख रहा है, क्योंकि ना इधर खिड़की से इधर इसका धूप का रिफ्लेक्शन आता है ना, तो इसीलिए। और ये बार बार दिशू ना मेरे से कुछ पूछने के लिए आई थी कि मेरे को ये करना है तो मैं करूँ या ना करूँ। सो अब मैं ना यहाँ पे चावल चढ़ा दूँगी, और चावल चढ़ा के आप देख सकते हो यहाँ पे किचन में कितना ज़्यादा ऐसे धुंधला सा दिख रहा है ना, वो इसी वजह से दिख रहा है और कितना बेकार सा लग रहा है ये। तो अब मैंने चावल चढ़ा दिया है और कढ़ी भी ऑलमोस्ट पकने ही वाली है, थोड़ा सा इसमें उबाल अच्छे से आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ी देर में फिर खाना सभी के लिए लगा दूँगी, क्योंकि बच्चे भी दोपहर है तो है ना 1:30-2 बज गए हैं, मेरे ख्याल 1:30 बज गए हैं, तो बच्चों को भी भूख लगी होगी, इसीलिए जल्दी से सही रहेगा। तो गाइज़ अब हमारा खाना रेडी है, आप लोग भी आइए और खा लीजिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो लो देशो तुम्हारा लंच, ये दिशु का लंच, चलो दिशु। सो गाइज हमारा लंच रेडी है, आप भी आ जाइए और खाइए, चलो बैठो पहले बैठो, बाद में दांत चमकाओ। स्पून नहीं है,